नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग ऑल इन वन Acer PC की। तो वीडियो में बने रहे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स जो मिला है हमें, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो को देखते जाएँ आप, साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या हमें ऑल इन वन PC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें और क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ऑल इन वन PC का मेरे को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगता है कि आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, काफ़ी कम जगह लेता है। बस आपने स्क्रीन रखनी है और आपका डेस्कटॉप सिस्टम रेडी हो जाता है, और इसको मूव करने में बड़ी आसानी होती है। आप कहीं पे भी इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई ज़्यादा CPU या वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता, बस आपको स्क्रीन उठानी है दूसरे कमरे में, माउस कीबोर्ड लेके गए और आपका सिस्टम शिफ्ट हो गया। तो हमने ये सारा सामान बाहर निकाल लिया जो भी इसमें था, तो मैं अब आपको बताता चलता हूँ इसमें आखिर क्या क्या हमें मिला। आप देख सकते हैं ये माउस जो है वायर के साथ मिला, वायरलेस नहीं मिला। कीबोर्ड भी शायद वायर वाला ही होगा। अगर आपको वायरलेस चाहिए, तारों का झंझट नहीं चाहते हैं आप, तो आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। जो साथ में हमें मिला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कीबोर्ड और जो माउस है दोनों वायर के साथ हैं। और ये केबल है, पावर केबल जो हम अडाप्टर के साथ यूज़ करते हैं। तो ये आ गया अडाप्टर, 120 वाटेज का ये अडाप्टर है, 85% एफिशिएंसी होती है इसकी। देखने में काफ़ी बढ़िया लुक है इसकी, आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं टॉप पे यहाँ पे वेबकैम दिया हुआ है इनबिल्ट, और इंटरनल स्पीकर्स और वेबकैम आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं ये बटन्स ऑन ऑफ का होगा ये, और साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड रीडर भी दिया गया हुआ है। कार्ड रीडर है दो, और USB 2.0 दिए हैं, और दो ऑडियो पोर्ट्स हैं। देख सकते हैं स्टैंड स्टील का, काफ़ी बढ़िया स्टैंड है, काफ़ी हैवी स्टैंड है इसका। चलिए अब थोड़ा कनेक्शंस कर लेते हैं। यहाँ पे आप एडाप्टर को केबल लगा के बस एक ही स्विच है इसमें, और कोई ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें ज़्यादा तारों का झंझट नहीं है इसमें, जैसा कि बाकी PCs में होता है, काफ़ी सारी केबल्स होती हैं। यहाँ पे फिर भी माउस और कीबोर्ड का है, क्योंकि ये वायरलेस नहीं इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपके पास वो हो तो इन तारों का झंझट भी ना हो, तो आपको कीबोर्ड और माउस को लगाना है साथ में, और बस पावर केबल कनेक्ट करनी और हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना टिल्ट हो सकता है, बिल्कुल नीचे तक लेके आ सकते हैं इसको आप, ताकि आपको जब भी कनेक्शंस या कुछ करने हो, यहाँ पे नीचे पे पोर्ट, जो नीचे के पोर्ट्स हैं इसके USB वगैरह के, वो नीचे हैं, तो इसलिए आप इसको काफ़ी टिल्ट भी कर सकते हैं। तो माउस और कीबोर्ड की केबल्स मैं यहीं पे लगा देता हूँ, क्योंकि जो साइड पे पोर्ट दिए हुए, कभी पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करना हो तो तब यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। और साथ में ये वैसे भी यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो 4 USB पॉइंट्स हैं वो 3.1 हैं, और जो साइड पे हैं वो 2.0 हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक LAN का यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, और एक HDMI, और दो ऑडियो पोर्ट हैं, और एक VGA पोर्ट भी है साइड में। और यहाँ पे आप पावर केबल लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट भी है एक यहाँ पे दिख रहा, उसके साथ में आपको ये पावर का केबल का जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी Acer का ही डेस्कटॉप जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, जो 32 इंचेस मोनीटर मैंने जब Acer का लिया था, तो वो वीडियो मैंने डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने साइड पे जो ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हैं इनबिल्ट विंडो 10 हमें यहाँ प्रोवाइड की गई है इसमें। तो फ्रेंड चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 GB का रैम दिया गया है इसमें, 8 GB रैम है, और 10th जनरेशन का जो इंटेल कोर प्रोसेसर है इसमें i5 का,
और 8 GB रैम और बाकी ये सारा कुछ दिया हुआ। विंडोज़ 10 प्रो डाली हुई है इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 TB के हार्ड डिस्क है जो सी पार्टीशन 118 GB की करी हुई थी। वाईफाई भी है इसमें ऑलरेडी, वाईफाई जो दिया गया हुआ है और ब्लूटूथ दोनों चीज़ें। तो जितनी भी जो आम चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, ब्लूटूथ, वाईफाई, वेब कैमरा, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।